Hello dear students. This is Saket sir. Good morning everyone. Hope you will be fine here at your home. Today we will study the first poem of the first chapter, First Flight, Dust of Snow, which has been written by Robert Frost. Dust of Snow. You can see an image here. There are three characters in this poem which have been played an important role you can see a crow a tree and the poet himself now we will study one by one the meaning of title and the role of characters in this poem dust of snow what is the meaning of title you can see here डस्ट ऑफ स्नो मीन्स व्हाट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो मीन्स जो बर्फ का जो छोटा छोटा एकदम जो टुकड़ा होता है जो मिट्टी की तरह होता है धूल की तरह होता है उसको हम डस्ट ऑफ़ स्नो कहते हैं तो सबसे पहले जो आपका जो टाइटल है चैप्टर का आपने वो क्लियर कर लिया कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है थोड़ा सा अगर और हम डीप जाते हैं तो यू कैन से डस्ट ऑफ स्नो मीन्स व्हाट इट सीम्स वेरी सिंपल ये कैसा दिखता है बहुत ही छोटा दिखता है बहुत ही साधारण दिखता है बट इट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस लेकिन वो जो स्नो होता है ना अकॉर्डिंग टू पोइट पोइट के अकॉर्डिंग क्या है ना कि इसके पास एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही बड़ा इसका अर्थ होता है उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे लाइफ में और जो पोइट्स होते हैं उनके लाइफ में इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पता है क्यों क्योंकि वो नेचर लवर होते हैं नेचर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको बेस मान के जो पोइट होते हैं अपने पोइट्री को तैयार करते हैं तो उनके लिए इसका जो मीनिंग है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है अब जो इसमें बाकी के जो दो कैरेक्टर हैं क्रो और मैंने एक नीचे आप देख लग सकते हैं लिखा है हेमलॉक ट्री तो ये जो है ना इनको आप कैसे किसी भी पोएम में नेचुरल वर्ड्स आपको जनरली जो है कि मिलते ही मिलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नेचुरल वर्ड्स है, है ना तो नेचुरल वर्ड्स में सबसे पहले मैंने डिस्क्राइब कर दिया है क्रो को तो क्रो क्या है नो बर्ड है लेकिन यहाँ पर क्रो का मतलब क्या है इस पोइंग पोएम में क्रो चूँकि ब्लैक कलर का होता है है ना और उसके जो वॉयस होते हैं वो वेरी हैरस होते हैं यानी बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है उसका आवाज़ जो होता है तो क्रो को यहाँ पर पोइट ने क्या माना है कि सिम्बॉल ऑफ बैड वीमेन है ना हम लोग जनरली मानते हैं सारे पोइट्स मानते हैं हमारे यहाँ भी जो इंडियन कल्चर है उसमें सभी नेचुरल थिंग्स का अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है तो हम लोग क्रो एक ऐसा बर्ड है जिसको हम लोगों ने माना है सिम्बल ऑफ बैड वीमेन मतलब वो अशुभ होता है किसी भी काम के लिए वो उसको अशुभ माना गया है हमारे यहाँ दूसरा इसमें आया है हेमलॉक है ट्री तो हेमलॉक ट्री का मतलब क्या है ना कि एक पेड़ है कैसा पेड़ है पॉइजनस ट्री है विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स यानी कि ये जो पेड़ है ये जहरीला है और इसमें जो है ना कि स्मॉल वाइट फ्लावर्स है यानी कि इस पेड़ में छोटे छोटे जो होते हैं वाइट कलर्स के फ्लावर्स भी लगते हैं तो इस तरह से पहले आपने चैप्टर्स का जो मीनिंग है वो क्लियर कर लिया कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है टाइटल क्या है इसमें किस तरह के वर्ड्स का नेचुरल वर्ड्स का यूज़ किया गया उसका क्या मीनिंग है ये अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड पोएट डू सो है ना पोइट ने ऐसा क्यों किया क्रो का यूज क्यों किया हेमलोक ट्री का यूज किया इन स्टीड ऑफ दिज वर्ड्स इनके बावजूद इनके अलावा है, है ना उन्होंने कुकू का पिकॉकॉक का ई स्पायरो का जो ब्यूटीफुल जो बर्ड्स होते हैं उनका यूज क्यों नहीं किया हेमलॉक ट्री की जगह बाकी और जो अच्छे ट्रीज होते हैं जिनका जो सिंबल होता है वो बहुत अच्छा होता है उसका यूज़ क्यों नहीं किया तो इसका हम लोग अब जो मीनिंग है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोग पोएम का देखेंगे उसमें आपको आगे समझ में आ जाएगा कि वाई डिड पोएट डू सो उसने ऐसा क्यों किया और इसको आप नोट करते चलेंगे कॉपी में अभी आप लेक्चर सुन लें बाद में आप वीडियो को पॉज करके ये सारे जो है ना कि इसको फेयर कॉपी में नोट्स करेंगे दैट विल बी हेल्प यू एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन जब आपका एग्जाम होगा उस समय रिविजन करने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा बस आप इस नोट्स को देख लेंगे ना तो इससे जितने इंटरनल क्वेश्चन आएंगे यू कैन राइट वेरी वेल द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर नाउ ब्रीफ ऑफ द पोएम बिफोर Explaining the stanza of this poem, I would like to get the meaning of this poem in a brief. सबसे पहले आपको हम सिंपल में बता देते हैं कि is poem में क्या है इसको आप समझ लीजिए तो सबसे पहला जो पॉइंट है तीन पॉइंट में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर हम स्टैंडा पे भी जाएंगे उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे देखिए पहला चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें पोएम क्या है ना कि अनइंसीडेंट हैपेंस विथ पोइट विच इज़ नॉट प्री प्लांट पोइट के साथ क्या होता है कि घटना होता है जो कि पहले से प्री प्लांट नहीं होता है कैसी घटना होती है द पोइट इज ए स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हेमलॉक एक पेड़ है पॉइजनस ट्री है उसके नीचे पोइट क्या रहता है कि खड़ा रहता है एंड फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस और उसके साथ वो फील करता है क्या फील करता है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करता है यानी चिंता में रहता है होपलेस निराश रहता है एंड लॉस्ड इन हिज थाट्स और पेड़ के नीचे खड़ा रह करके वो क्या है ना कि वो अपने सोच में डूबा हुआ रहता है लॉस्ट इन हीज थॉट्स का मतलब होता है खुद की सोच में डूबे हुए रहना जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा आप इसको समझ भी लेंगे है ना लिख भी सकते हैं इसका जो मीनिंग है तो अभी तक हमने ये देखा कि ये प्री प्लांट जो है कि नहीं है जो भी इंसिडेंट होता है सडनली होता है पोइट कहाँ पर खड़ा है हेमलॉक ट्री के नीचे उसने कैसा फील कर रहा है तो बहुत ही डिप्रेस होपलेस फील कर रहा है और अपने सोच में खोया हुआ है और चूंकि पोएट दुखी है इसलिए उसने जो है ना कि अब शायद क्लियर हो गया होगा आपको कि अब उसने क्रो का और हेमलॉक ट्री जैसे नेचुरल वर्ड का उसने नहीं यूज किया है आगे क्या होता है सडनली तभी क्या होता है अ क्रो हु सिटिंग ऑन द ट्री उस पेड़ पे हेमलॉक ट्री पे तभी क्या होता है कि अचानक से एक जो कौवा पहले से बैठा रहता है सुक द ट्री सुक मीन्स क्या होता है हिलाना पेड़ को क्या करता है वो हिला देता है एंड द पार्टिकल्स ऑफ स्नो है ना एंड द पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो उस बर्फ के जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं फ्रॉम द ट्रीप फेल ऑन द पोएट वो पोएट के शरीर पर पड़ जाते हैं किस कहाँ से जो पहले से पड़े हुए रहते हैं आपने जो पिक्चर मैंने दिखाया था उस पर देखे होंगे उस पर बर्फ के जो है कि पार्टिकल्स लगे हुए थे क्रू बैठा था नीचे पोएट था फिर से आप बैक जाकर देख भी सकते हैं तो वो पोइट के शरीर पे क्या होता है उसके पूरे बॉडी पर या जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे ही पेड़ हिलता है क्रोह हिलाता है उसको वो सब गिर जाता है उसके पोइट के बॉडी पे गिरना शुरू होता है तब क्या होता है एंड व्हेन द सॉफ्ट एंड द कोल्ड स्नो फेल ऑन द पोइट और जैसे ही वो छोटे छोटे जो ठंडे बर्फ़ होते हैं मुलायम बर्फ होते हैं है, पोइट के ऊपर गिरता है और वो उसको टच करता है तो वो बहुत ही प्लीजेंट फील करता है बहुत ही अच्छा फील करता है और क्या होता है इट चेंज हिज मूड और उसके मूड को जो वो पहले से डिप्रेस्ड होता है होपलेस होता है एंड लॉस्ट इन हिज थॉट वो खोया रहता है अपने सोच में अचानक से जो उसका मूड होता है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस यानी साफ क्लियर है कि वो सैडनेस से हैप्पीनेस में उसका मूड चेंज हो जाता है तो यही आपका ब्रीफ ऑफ द पोएम है मतलब इस पोएम में यही बताया गया है कि जो छोटे जो जो चीज़ होते हैं वो भी आपके लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं है ना ये आपके थॉट पे डिपेंड करता है जैसे क्रो जो है कि बैड वीमैन माना गया है लेकिन यहाँ पोइट के लिए अच्छा काम कर रहा है हेम लोग ट्री को भी लोग सही नहीं मानते हैं लेकिन यहाँ पर पोइट के लिए वही ट्री जो है कि उसके मूड को चेंज करने में बढ़िया काम करता है तो ये आपका ब्रीफ है पोएम का नाव वी विल रीड स्टैंड ऑफ द पोएम एंड गेट द मीनिंग आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डस्ट स्नो देख सकते हैं आपका दो स्टैंड है इस पोएम में देखिए क्या कहता है जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया भी है नीचे राइटर का भी नाम दिया है रॉबर्ट फर्स्ट थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं तो सबसे पहले आप फर्स्ट का मीनिंग देख लीजिए फर्स्ट स्टैंड जै का कहते हैं द वे अक्रोस सुक डाउन ऑन मी यानी वह तरीका जिस तरह से कोवे ने पेड़ को हिलाया सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो और जो डस्ट हटेशनों का जो बर्फ का टुकड़ा है जिस तरह से उसने मेरे ऊपर गिराया फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री कहाँ से उस हेमलॉक ट्री से है ना और वो जो गिराने का जो मोमेंट था उसके बाद पोइट क्या कहता है सेकेंड स्टैंडा हैज गिव एन माई हर्ट सेकेंड स्टैंडा में हम लोग हैं है ना इसमें हैज गिव एन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड ये जो तरीका था वो क्या करता है कि मेरे दिल को मेरे मन को है ना एकदम से बदल करके रख देता है जैसे ही वो जो डस्ट ऑफ स्नो मेरे शरीर के ऊपर फील होता है उसका जो प्लीजेंट एकदम से है ना आ, जो फीलिंग है उससे पोएट का जो मूड होता है एकदम चेंज हो जाता है और सबसे अच्छी बात क्या होती है पोएट के साथ एंड सेफ्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड और जो दिन का जो कुछ हिस्सा होता है पहले से तो वो नाराजी था यानी उसका जो आधे से अधिक का जो दिन था वो क्या हो गया था वो बीत गया था होपलेस में डिप्रेस्ड में बीत हो गया था लेकिन उसे खुशी इस बात की है कि चलो एटलीस्ट कम से कम इस कौवे की वजह से इस हेमलॉक ट्री की वजह से है ना और मेरे इस पेड़ के नीचे खड़े होने की वजह से जो मेरा बचा हुआ जो दिन है वो कम से कम बर्बाद होने से बच गया कम से कम मैं रेस्ट ऑफ द जो डे है जो उस दिन का जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें मैं अब अच्छी जो है कि खुशी फील कर रहा हूँ है ना उसका जो मूड है सैडनेस टू हैप्पीनेस में चेंज हो गया है और इस बात के लिए वो बहुत ही ज़्यादा है ना कि ग्रेटफुल हो जाता है उस क्रो का उस हैमलॉग ट्री का है, है ना अब यहाँ पर एक वर्ड मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आया है रेउड है ना तो र्यूड का जो मतलब होता है होता है हेल्ड इन रिग्रेट तो रिग्रेट मीन्स जैसा कि आप जानते हैं है ना रिग्रेट पश्चाताप करना है ना तो यानी उसे अब पछतावा नहीं होता है उसे यह पछतावा नहीं होगा कि हमें जो है कि मेरा जो दिन है पूरा बर्बाद हो गया नहीं कुछ जो दिन है उसका अच्छा बीतता है इनकी वजह से तो आई होप जो आप मीनिंग जो है कि आप समझ गए होंगे इस दोनों स्टैंडा का और लास्ट जो कंक्लूजन है पोएम का उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है निकलता है देखिए कंक्लूजन ऑफ दी पोएम ये सारी चीजें आपको ना किसी बुक में नहीं मिलेगी तो जैसे भी मैं पढ़ाया हूँ यू मस्ट है ऑल आपको जोड़ी ये सारी चीजें नोट करनी चाहिए वरना फिर क्या है ना कि जैसे कुछ देर पहले पोएट रिग्रेट कर रहा था आप भी उस टाइम फिर रिग्रेट करना शुरू कर जाओगे तो कंक्लूजन क्या निकलता है पोएट का सुनिए पोएम का दिस पोएम एक्सप्लेन दैट ओवरऑल क्या है ना कि जब अभी तक हमने जो कुछ भी वट एवर वी हैव स्टडी स्टिल अभी तक जो कुछ भी पढ़ा हमने वट कंक्लूजन कंक्लूजन क्या निकल के आता है इसका आउटकम्स क्या निकल के आता है कि दिस पोएम एक्सप्लेन दैट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं हमारे जीवन में कैन मेक अ ह्यूज चेंज वो एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है इन आवर फ्यूचर हमारे भविष्य में डिपेंड क्या होना चाहिए कि आपको पॉजिटिव होना चाहिए सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए एज द डस्ट ऑफ स्नो मेड अ चेंज इन द मूड ऑफ पोएट ठीक उसी तरह जैसे जो डस्ट ऑफ स्नो होता है वो एकदम स्मॉल पार्टिकल्स होता है फिर भी क्या करता है पोएट के मूड को चेंज कर देता है पोएट दुखी रहता है उसको खुश कर देता है मतलब यहाँ से समझ जाना चाहिए कि एक छोटा सा चीज पोएट के लाइफ को चेंज कर देता है इट मीन्स दैट लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक अ ह्यूज चेंज इन आवर फ्यूचर यही आपके पोएम का कंक्लूजन है ओके okay. नाउ आप समझ गए होंगे आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और बाकी के अगर कोई डाउट होंगे तो हम लोग लाइव क्लास आए में उसमें आप क्लियर करिएगा और इसको एक मतलब काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से चूँकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं कि आप जो सारे जो नोट्स हैं इस पोएम में अभी तक मैंने आपको दिखाया इसको आप वन बाई वन बहुत अच्छे से फेयर कॉपी में क्लियर वे में एकदम नोट कर लीजिएगा और नोट करके मेरे को आप जो है ना कि ग्रुप में जरूर पोस्ट कर देंगे दैट आई कैन चेक योर कॉपी ताकि मैं आपका कॉपी भी चेक कर सकूं कि आपने इसको देखा और समझा कि ना जो डाउट होगा हम लोग उसमें क्लियर करेंगे अब होमवर्क भी मैं आपको कुछ दे देता हूं ध्यान दीजिएगा देर आर थ्री क्वेश्चन सर समझा देता हूं मिनट हाँ व्हाट इज अस्ट ऑफ स्नो पहला ही है कि वट इज अ अस्ट ऑफ स्नो स्नो क्या है तो उसका जो मैं है कि डीप मीनिंग आपको बता चुका हूँ लास्ट सबसे फर्स्ट जो क्लिप है उसमें आप देख लेंगे व्हाट डज पोएट से हैड हिज मूड पोएट ने क्या कहा है कि उसका जो मूड है वो कैसे चेंज हो गया है हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज और उसका जो मूड होता है उसके बाद वो कैसे चेंज हो जाता है ये सारी चीजें आपको इसमें उसका आंसर जो है कि लिखना है सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका पोए से रिलेटेड है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स है ना जो बर्ड्स होते हैं किस तरह के जो बर्ड्स का जो नेम है पोएम में जो है कि यूज किया जाता है है ना तो पहले भी मैंने बताया कि यहाँ चूंकि क्रो का यूज किया गया है तो सबको इस आश्चर्य सब कोई सोच में पड़ गया है कि ऐसा क्यों किया है तो मैंने आपको बताया कि पोएट ने ऐसा क्यों किया है तो और बाकी किन बर्ड का यूज करना चाहिए कर सकते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं कि पोएट जो है ना कि बाकी जो है कि किस बर्ड्स का यूज कर सकता है पैरट का कर सकता है कुकू का कर सकता था है ना पिकॉक का कर सकता था चूंकि ये क्वालिटीज बर्ड होते हैं पोएम के लिए डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफ एंड मैंसड इन पोएम्स कि आपको ऐसा लगता है कि जनरली क्रो का यूज किया जाता है किसी पोएम में नहीं लगता है फिर भी व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अ थिंक ऑफ ए क्रो और किस तरह की जो है कि डीप जो थाट है आपके दिमाग में आती है जब आप कौए के बारे में सोचते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि चूंकि कौआ जो होता है वो क्या होता है वो क्रो इज ब्लैक इन कलर विथ वेरी हरस वॉयस एंड इज बिलीव टू बी अ सिम्बॉल ऑफ अ बैड वीमेन माना गया है तो इस तरह के इमेज जो होते हैं हमारे माइंड में आते हैं तो इसका आंसर आप अपने हैंड राइटिंग में अपने लैंग्वेज में आप कर लेंगे सेकेंड क्वेश्चन है अगेन व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री देखिए क्वेश्चन आ गया उससे फिर हैमलॉक ट्री क्या है तो आप बता सकते हैं पोइजनेस ट्री विथ वाइट स्मॉल वाइट फ्लावर्स वाइट डजन द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ अपल और अनाइक और ए पाइन ये जो ट्री है मैपल ऑक और पाइन है ये इनको ब्यूटीफुल माना गया है किसके कम्पेरिजन में हेमलॉक ट्री के कम्पेरिजन में है ना तो क्वेश्चन ये है ना कि पोएट ने इन सभी ट्रीज का नाम यूज क्यों नहीं किया है ना जबकि ये उससे ज्यादा खूबसूरत है तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि पोइट ऐसा क्यों किया बिकॉज ही डिड सो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स है ना क्योंकि जो वो अपने मूड और फीलिंग को प्रेजेंट करना चाहता था क्योंकि पहले से वो सैड था इसलिए उसने हेमलॉक ट्री का यूज किया है ना थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू द क्रू एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट क्रू और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं क्लियर किया गया है आपके नोट्स में यू कैन से जॉय और सोरो व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर है ना हेमलोक ट्री से जो डस्ट ऑफ स्नो क्रो के द्वारा सेक करके गिराया जाता है उसका मीनिंग यहाँ पर क्या निकलता है ये आपको बताना है है ना तो यहाँ पर जो है कि आप बता सकते हैं कि द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेस मोमेंट्स द पोएट इज इंटरिंग द टाइम फुल ऑफ ज्वाय एंड

इट इज़ हैपन सो विथ यू अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो आप अपने एक्सपीरियंस को थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं अदरवाइज़ क्वेश्चन नंबर वन और टू आपको होमवर्क में इंपॉर्टेंट है करना है करके पोस्ट भी करना है सारे नोट्स भी आपको पोस्ट करने हैं जो भी मैंने अभी तक एक बार और दिखा देता हूँ कंक्लूजन आपको नोट करना है पोएम का और ये स्टैंड आप छोड़ देंगे समझने के लिए है जो ब्रीफ ऑफ द पोएम है ये नोट कर लेंगे फिर ये भी ब्रीफ का ही पार्ट है स्टार्ट से लेके चलेंगे आप डस्ट ऑफ़ स्नो वर्ड जो है क्लियर किया गया है क्रो के बारे में हम लोग ट्री के बारे में यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है स्नो को क्रो को सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है है ना तो इस तरह से जो डस्ट ऑफ़ स्नो जो आपका चैप्टर था ये खत्म हुआ एंड आई होप यू हैव गॉट वेल और जो भी डाउट होगा हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे ऑनलाइन क्लास में इसके बाद नेक्स्ट पोएम लेकर के आएंगे आपका फायर एंड आइस से ओके ना थैंक यू हैव ए नाइस डे इन्जॉय your moment.